जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए मटर की सब्जी लेके आई हूँ, जो बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से मटर को बॉईल कर लेंगे। उसके बाद में मैंने एक पैन तेल के गर्म होने पर लहसुन जीरा डालेंगे। जब तक ये जीरा गल रहा है, इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च ऐसे हम डालेंगे इसमें। आप हरी मिर्च अपनी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपको सीधा या कम तीखा जैसे भी खाना है। इसको हम हल्के से सौते करेंगे। ये सौते हो जाएगा तो हमने 2 मीडियम प्याज ली है, इसको हम इसमें डालेंगे। प्याज को हमने बारीक नहीं काटा है, लंबी लंबी स्लाइस कर लिया। अब हम इसको हल्का भूनेंगे। आइए, जब तक हमारी प्याज भून रही है, हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं। हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक, आप अपने अनुसार नमक डाल सकते हैं। देखिए, प्याज हमारी भून रही है, हम बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था, अब हम इसको इसमें डालेंगे। और साथ ही में हमारा ये मसाला, जिसको हमने पानी के साथ घोल लिया था, वो मसाला इसमें जाएगा। मसाले जले ना, इसलिए हम थोड़ा सा पानी, जो हमारा मसाला था, उसी में कोट करके इसमें डालेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भून जाए, जले नहीं। देखिए, हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे। बहुत बारीक नहीं काटेंगे, ना ही हम इसको पीसेंगे। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढक करके 2 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए देखते हैं अब हम अपने मसाले को। हमारा ये जो मसाला है, देखिए टमाटर बिल्कुल पूरी तरह से गल चुके हैं और साथ ही अब ये मसाला हमारा ऑयल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। अब हम इसमें बॉईल करी हुई अपनी मटर डालेंगे और साथ ही हम थोड़ी सी धनिया, जो हमने बारीक बारीक काटी थी, वो डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मसाले में कोट करेंगे, ताकि जो हमारी मटर है वो पूरी तरह से मसाले में कोट हो जाए। और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, ताकि जो मसाला है वो पूरी तरह से मटर में हो जाए, मटर हमारे मसाले में कोट हो जाए। चलिए अब हम इसको ढक देते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, ढक्कन देखते हैं। ये देखिए, हमारी सब्जी अच्छे से मसाले में कोट हो गई है और दूसरा बहुत ही सुंदर इसका टेक्सचर आया है। एक बार आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करिए। इसको आप पराठे या पूरी के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।